प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि थैंक्स गिविंग के बारे में आपसे बातचीत करूँ। हालांकि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में थैंक्स गिविंग एक डे करके मनाया जाता है, एक त्यौहार करके मनाया जाता है, और मैं सोचता कितनी अच्छी बात है कि और इधर उधर के त्यौहारों को मनाने के बजाय ऐसा एक त्यौहार हो जिसमें परमेश्वर को शुक्रगुजारी करी जाती है। ऐसा त्यौहार जो लोगों पर, चीज़ों वस्तुओं पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की गुडनेस पर, उसकी भलाई पर, उसकी कृपा पर आधारित है, जिसमें हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद मिले, शुक्रगुजारी मिले, शुक्राना भेंट करना। और ये जो है एक ऐसा रिमाइंडर है हम सब के लिए कि इंसान जो है सृजनहार रचयिता की सृष्टि है और सारा आदर सत्कार उसको मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा एक हवाला आपके लिए पढ़ूँ जिससे आप और मैं आशीष को पाएं। इस प्रकार से लिखा है, पहला थसलोनिका की पत्री उसका 5:16-17-28 प्रकार से लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज, हमेशा आनंदित रहो। मुश्किल है हर हाल में हमेशा आनंदित रहना, पर एक इनिशिएटिव है, ये एक उपराला है, हमारी तरफ से कोशिश है और करना चाहिए, ट्रेनिंग है अपने माइंड की, अपनी ज़िंदगी की, कि हमेशा जो है आनंदित रहें। प्रे कंटिन्यूली, एक और काम है कि लगातार निरंतर बिना रुके प्रार्थना करते रहें। फिर से अपने आप नहीं होता है, हमारा कंटिन्यूली एक तरीका, एक सलीका, एक आदत, एक हैबिट, एक जीवन का अंदाज, एक जीवन शैली बन जाए। ऐसा लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। फिर से, आसान नहीं है पर डूएबल है, किया जा सकता है हर हाल में। जब मुश्किल होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, जो हमारे लव्ड वन खो जाते हैं या बीमारी के बिस्तर में होते हैं, नुकसान होता है, परेशानी होती है, ऐसी परिस्थितियों में शुक्राना निकलता नहीं है, भेंट नहीं चढ़ाई जाती। ऐसी परिस्थिति में हार्ड होता है, मुश्किल होता है कि धन्यवाद किया जाए, बट फिर भी डूएबल है, किया जा सकता है। ये जानते हुए कि परमेश्वर सारी बातों को अपने काबू में, अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। सो वाणी कह रही है कि अच्छा तरीका है, उससे हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, डिप्रेशन फ्री रहेंगे, आसान हो जाता है चीज़ों को, हालातों को जो है उसमें से गुजरना, उसमें से विक्टोरियसली बाहर निकलना। तो क्या किया जाए, हर हाल में, हर परिस्थिति में, ये जानते हुए कि वो कंट्रोल कर रहा है, वो जानते हैं पिता परमेश्वर, तो उसका धन्यवाद किया जाए। फिर इसमें ये लिखा हुआ है आगे, फॉर दिस इज विल ऑफ गॉड फॉर यू इन क्राइस्ट, ये परमेश्वर की हम सब के लिए रजा है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा है, यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर हाल में किया करें, लगातार आनंदित रहें, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, धन्यवादित रहें। ये जो है हमारी हेल्प होती है कि हम जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर पाएँ, और ये जानें कि परमेश्वर जो है वही चला रहा है, वही काबू किए हुए हैं, उसके हाथों में सब कुछ है, हमारे खुशी, हमारे गम, हमारी परेशानियाँ, हमारी कमियाँ, हमारी घटियाँ, हमारी बढ़ोतरी उससे आती है और उसी के हाथों में है। आइए मिलकर इस मौके का, इस फेस्टिवल का फ़ायदा उठाते हुए, रिमाइंडर का फ़ायदा उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, शुक्राना भेंट करें, उसके प्रति शुक्रगुजार, ग्रेटफुल हों, लोगों के प्रति, जो लोग जो आपकी ज़िंदगी में दिए, रिश्ते जो उसने दिए हैं, मौका जो दिया है, जो चीज़ें मुहैया करी हैं, इंतज़ाम जो किए हैं, जो परमेश्वर ने आज तक आपके लिए किया है, जो नहीं किया उसके बारे में ना सोचें, जो कर दिया है उसके बारे में सोचें, कितनी अपॉर्चुनिटी दी है, कितना कुछ जो उसने दिया, उस सबको याद करते हुए, उसकी भलाइयों को, अच्छाइयों को याद करते, लोगों के बारे में, जो अपॉर्चुनिटीज आपको दी हैं, जो फैमिली आपको दी है, अजीज आपको दी है, उन सबको याद करते हुए खुदा का शुक्रिया अदा करते। लेट्स थैंक द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।